गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंटेलिजेंस की एक और थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत। ये थ्योरी जेपी गिलफोर्ड ने दी थी। इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1961 में, जो कि फैक्टर एनालिसिस के आधार पर दी थी। इसे बुद्धि का मॉडल भी कहते हैं, गिलफोर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, या त्रिविमीय मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने जो फैक्टर एनालिसिस किया था उसके आधार पर इन्होंने बुद्धि के तीन पैरामीटर्स या तीन डायमेंशंस या तीन आयाम बताए थे। पहला है ऑपरेशन, संक्रिया, दूसरा है कंटेंट, विषय वस्तु, और तीसरा है प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, उत्पाद। इंटेलिजेंस कंसिस्ट 150 डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट स्किल्स। इन्होंने कहा कि बुद्धि में अलग अलग स्वतंत्र 150 तत्व या कौशल शामिल हैं। ये 150 तत्व कैसे बताएं? 5 × 5 × 6, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक बॉक्स दिया हुआ है इन्होंने, और उस बॉक्स में इन्होंने एक साइड जो है इसकी कंटेंट है, दूसरी साइड इसकी प्रोडक्ट है, और तीसरी साइड इसका ऑपरेशन है। ठीक है, तो कंटेंट में अगर आप एलिमेंट्स देखेंगे तो कितने हैं? 5। प्रोडक्ट में देखेंगे तो कितने हैं? 6। और ऑपरेशन में कितने हैं? 5। तो 5 × 5 × 6 का मतलब है कंटेंट इंटू ऑपरेशन इंटू प्रोडक्ट इज इक्वल टू 150। यानी कि 5 कंटेंट के एलिमेंट हो गए, 5 ऑपरेशन के एलिमेंट हो गए, और 6 एलिमेंट किसके हो गए? प्रोडक्ट के। ये जो त्रिविमीय सिद्धांत था ये इन्होंने 1961 में दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था बुद्धि के तीन आयाम होते हैं और तीन आयामों के अंदर 150 स्वतंत्र तत्व या कौशल शामिल होते हैं। इसके बाद इन्होंने इसी थ्योरी को रिवाइज किया, और फिर उसके बाद इन्होंने टोटल कितने तत्व बताए, कितने कौशल बताए? 120। इसकी कैलकुलेशन भी इसी तरीके से हुई, 4 × 5 × 6 = 120। सॉरी दोस्तों, ये 150 गलती से लिख गया है, ये 120 होना चाहिए। ओके, तो अगर हम पिक्चर में देखें तो आप देखिए क्यूब बॉक्स है, और उसमें वन साइड इज़ अ प्रोडक्ट, सेकंड साइड इज़ अ कंटेंट, एंड थर्ड साइड इज़ अ ऑपरेशन। तो ये चलता किस तरीके से है? कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट्स। कंटेंट में 4 तत्व दिए हुए हैं, जो कि 4 आपको ऊपर दिख रहा है कैलकुलेशन में। ऑपरेशन में 5 तत्व दिए हुए हैं, 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको कैलकुलेशन में, 5 दिख रहा है, 4 × 5 × 6, यानी कि प्रोडक्ट के 6 एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स क्या आते हैं, हम इन पर चर्चा करते हैं। इस मॉडल में इन्होंने इस तरीके से एलिमेंट दिए थे, कंटेंट यानी विषय वस्तु, ऑपरेशन यानी संक्रिया, और प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो कंटेंट के जो 4 कॉम्पोनेंट एलिमेंट थे वो है फिगुरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। ऑपरेशन के हैं कॉग्निशन, मेमोरी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इवेल्युएशन। और प्रोडक्ट के हैं यूनिट, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन। अब हम इन्हें समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। कंटेंट यानी विषय वस्तु। अब विषय वस्तु में 4 तरह के एलिमेंट्स हम पहचान पाते हैं बुद्धि के द्वारा। पहला है फिगर, आकृति। आकृति में अगर आप देखें तो जितने भी हमारी फिगुरल चीज़ें होती हैं, जैसे सर्कल हुआ, स्क्वायर हुआ, वर्ग हुआ, वर्गाकार आकृति हुई, गोलाकार आकृति हुई, सिलेंड्रिकल आपकी कोई फिगर हुई, ये सारी जो समझने की क्षमता होती है वो हमारे कंटेंट डायमेंशन के फिगुरल एलिमेंट के अंदर होती है। सेकंड पॉइंट इज सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक या संकेतात्मक। सिंबॉलिक में क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम रोड पे चलते हैं तो कुछ सिंबल्स हमें मिलते हैं जो कि ट्रैफिक रूल्स के होते हैं, या फिर आपकी जो डायरेक्शंस होती हैं उसके होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स को समझने की जो क्षमता होती है वो हमारी किस में आती है, वो हमारी सिंबॉलिक एलिमेंट में आती है। नेक्स्ट है सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक मतलब अर्थपूर्ण, यानी कि कोई भी चीज़ हम समझ रहे हैं,
कोई भी चीज़ हम जान रहे हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी कि किसी भी ऐसी क्षमता जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को समझने की योग्यता रखते हैं और उसके एक अर्थ को निकालते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल, व्यवहारगत। अगर हम व्यवहार की बात करें तो ये एक अलग एलिमेंट होता है। आपने देखा होगा कि हम लोगों का बिहेवियर अपने स्पाउस के साथ अलग होता है, अपने पेरेंट्स के साथ अलग होता है, अपने दोस्तों के साथ अलग होता है और अपने चिल्ड्रंस के साथ अलग होता है। उसका कारण है कि हम अपने बिहेवियरल एलिमेंट्स को भी क्लासिफाइड कर लेते हैं कि हमें किस इंसान से किस तरीके का व्यवहार करना है। तो इस तरह की जो क्षमता जिसके अंदर होती है उसे हम बिहेवियरल एलिमेंट के अंदर रखेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा ऑपरेशन, सेकेंड जो हमारा डायमेंशन है, पैरामीटर है, वो है ऑपरेशन संक्रिया। कंटेंट की जानकारी के बाद हमें ऑपरेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, संक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है कॉग्निशन, संज्ञान। कॉग्निटिव एस्पेक्ट कौन सा होता है हमारा? रिलेटेड टू हेड, यानी कि जब हम किसी चीज़ को अपने संज्ञान में ला सकते हैं, यानी ऐसी क्षमता जिसमें हम किसी चीज़ को जानते हैं, समझते हैं और उसे डेली लाइफ में अपने अप्लाई कर सकते हैं, उसे हम कॉग्निशन कहते हैं। तो हमारी संज्ञान में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी संक्रिया के कॉग्निशन एलिमेंट के अंदर आती है। सेकेंड वन इज़ मेमोरी, स्मृति। जितनी भी मेमोराइज्ड चीज़ें होती हैं, यानी कोई भी ऐसा टास्क हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी विषय वस्तु हो जिसे पढ़ के हमें याद रह जाती है, वो जो क्षमता होती है वो हमारी मेमोरी एलिमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसे हम हिंदी में विभिन्न सोच, विभिन्न चिंतन या अपसारी चिंतन भी कहते हैं। अपसारी चिंतन में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि एक ही काम को हम कितने तरीकों से कर सकते हैं और हम उन तरीकों में से कोई एक बेस्ट वन चुन लेते हैं और फिर उस काम को उस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग से बिल्कुल अलग होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि कोई एक ऐसा काम है जिसे हम बहुत तरीके से कर सकते हैं लेकिन हम उसे बहुत तरीके से नहीं करते, हम अपने एक ही धर्रे पे चलते हैं और उसे सिर्फ उसी तरीके से करना पसंद करते हैं जो कि हमारा तरीका है, हम किसी और तरीके की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम ये भी एक और चीज़ है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो नैरोअर होती है जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग ब्रॉडर टर्म होती है, यानी कि एक काम को बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और फिर उसके बाद जो उसका बेस्ट वन ऑप्शन होता है उसे अप्लाई करते हैं, जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम उसके तरीकों के बारे में, उसके आइडियाज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी सजेशन दे ले, हम सिर्फ उस काम को उसी तरीके से करते हैं जो हमें लगता है कि ये सही है और इसी तरीके से ये काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ऑपरेशन का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन को आपने काफ़ी पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स में सबने लगभग समझ लिया होगा, मूल्य का अंकन है ना। तो मूल्यांकन का अंकन क्या है कि हमारा ऑपरेशन के अंदर ये जो इवैल्यूएशन एलिमेंट होता है, हम हर चीज़ का इवैल्यूएशन करना चाहते हैं या हर चीज़ का इवैल्यूएशन करके देखते हैं कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, किसमें क्या गुण है, किसमें क्या दोष है। ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये हमारे इवैल्यूएशन एलिमेंट के अंदर आती हैं। तो जो लास्ट हमारा पैरामीटर डायमेंशन है वो क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद। यानी कि हमने कोई विषय वस्तु ली, उसको कि हमने संक्रिया की, संक्रिया के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, हमें उत्पाद प्राप्त होगा। अब उत्पाद के रूप में, आउटपुट के रूप में हमें क्या क्या मिल सकता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिट, इकाई। हम एक जैसी चीज़ों को, होमोजीनियस फैक्टर्स को, एक जैसी जो भी दिखने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं, उनको एक इकाई की तरह एक जगह रखते हैं। नेक्स्ट है क्लासेस, वर्ग। एक जैसी चीज़ों को हम एक इकाई मान लेते हैं, यानी कि एक विचार से संबंधित सारी चीज़ें क्या हो गई, एक इकाई हो गई। क्लासेस में क्या होगा, एक विचार, एक जैसे जितने विचार होंगे वो सारे के सारे एक वर्ग बन जाएंगे। रिलेशंस में क्या होगा कि हम एक विचार का दूसरे विचार से संबंध देख सकते हैं, एक चीज़ का दूसरे चीज़ से संबंध देख सकते हैं। तो आउटपुट के रूप में हम क्या देखते हैं कि एक चीज़ का, एक विचार का दूसरे विचार या दूसरी चीज़ से क्या संबंध होता है। नेक्स्ट है सिस्टम, प्रणाली।
हम जो हायरार्किकल चीज़ें होती हैं, जो क्रमबद्ध चीज़ें होती हैं, उस प्रोसेस को भी समझते हैं, उस प्रोसेस को समझ के उसे प्रणाली के रूप में ढालते हैं। ये भी एक तत्व होता है बुद्धि का। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी चीज़ें हमने समझी हैं वो तो हमने जिस तरीके से समझी हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम उन समझी गई चीज़ों से कुछ नया क्या जान सकते हैं, या उन उन उस समझ को अपने इंटेलिजेंस की जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे संबंधित जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स हमने आउटपुट के रूप में ली है, उस आउटपुट को हम कैसे नई सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, नई सिचुएशन में उसका उन अंडरस्टैंडिंग्स का, उन आउटपुट्स का रूपांतरण कर सकते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्स में आती हैं। और लास्ट है हमारा इम्प्लीकेशन निहितार्थ। आप निहितार्थ का मतलब होता है कि जो भी हमने समझा है उसे हम कैसे अपने डेली लाइफ में यूज़ में लाएं, या उसका डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम नई सिचुएशन में अपनी समझ को ढालते हैं, लेकिन निहितार्थ में क्या है कि हम उसे कैसे 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 यूज़ में ला सकते हैं। ये जो हमारी कैसे कैसे यूज़ में ला सकते हैं, कैसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं वाली समझ होती है, ये हमारी इम्प्लीकेशन एलिमेंट के अंदर आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस को कैसे कैसे मेज़र किया जा सकता है और उससे रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होते हैं। थैंक यू एवरीवन।